आज हम कर रहे हैं नवंबर 2016 का आरटीपी। तो आरटीपी में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे आज। तो सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें दिया हुआ पहला क्वेश्चन AS1 का, कह रहा है कि ए लिमिटेड हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद हाई कोर्ट। ए लिमिटेड ने एप्लीकेशन फाइल करी है विद हाई कोर्ट टू मर्ज इट्स विद इट्स सब्सिडरी बी लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2015। यानी कि अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है। एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अ लोन वाज गिवन बाय ए टू बी, ए लोन उन्होंने रखा बी को, एंड बी लिमिटेड हैड गिवन एसेट टू ए लिमिटेड ऑन लीज। इन व्यू ऑफ द अफोर्डसेट पेंडिंग एप्लीकेशन ए लिमिटेड हैड नाइदर डिस्क्लोज द इंटरेस्ट इनकम ऑन द लोन, यानी जो लोन दे रखा है उसमें कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं दिखाई गिवन टू बी, नॉट द लीज रेंटल पेबल बाय इट टू बी ड्यूरिंग द ईयर 2015-16। कमेंट द वेदर द ट्रीटमेंट डन बाय ए लिमिटेड इज करेक्ट इन द लाइट ऑफ AS1। तो AS1 को यूज करते हुए हमें बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो ये रहा इसका आंसर कि AS1 कहता है एज पर पैरा 27 AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज रिक्वायर दैट इफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी अक्रूवल आर फॉलोड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। हाउएवर इफ अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इज नॉट फॉलोड, ठीक है, अगर हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं करे हैं तो द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। सिंस द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट वाज पेंडिंग, यानी कि जो एप्लीकेशन दे रखी है अभी हाई कोर्ट में और वो अभी पेंडिंग है, हो सकता है कि वो मना भी हो जाए। टिल द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू अज्यूम दैट द टू कंपनीज हैड मर्ज इन द सेट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये कह नहीं सकते कि इसी फाइनेंशियल में वो मर्ज हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली नॉट रिकॉग्नाइजिंग द इंटरेस्ट इनकम एज वेल एज द लीज रेंट पेबल टू द सब्सिडरी कंपनी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2015-16 although they have become due tantamount to not following the accrual concept with regard to AS1, ठीक है, यानी accrual concept उन्होंने follow नहीं करा। This is also contrary to the provision of the section 281(1) of the Companies Act 2013 which state the books of account should be kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting. Further as per the section financial statement for every financial year shall give true and fair view of the state of affairs of the company. तो हमारा पहला क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री का, कह रहे जेड लिमिटेड ने ऑर्डर करें 13,000 किलोग्राम केमिकल 90 रुपये का एक है, परचेज प्राइस जो दे रखी है वो 5 रुपये है यानी कि पर केजी, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच जिसके लिए हमें फुल सैंडविच क्रेडिट अलाउड है, फुल सैंडविच क्रेडिट अलाउड है। फर्दर वैट इज लिवाइबल, वैट लगेगा 2.5 पर केजी ऑन परचेज प्राइस। फ्रेट इनकर्ड, फ्रेट जो लगाया लाने का खर्चा 30,000 रुपये, नॉर्मल ट्रांजिट लॉस हो सकता है 4% का। द कंपनी एक्चुअल रिसीव 12,400 kg एंड कंज्यूम 10,000 kg ऑफ केमिकल। द कंपनी हैज रिसीव ट्रेड डिस्काउंट, बाद में ट्रेड डिस्काउंट मिला कितने रुपये का, फ्रॉम द 1 रुपये पर केजी का, ठीक है। द केमिकल वर डिलीवर्ड इन कंटेनर, द कंटेनर वर नॉट रीयूजेबल हैंस सोल्ड फॉर ₹500। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग द केमिकल 10,000 रुपये। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एलोकेट द मटीरियल कॉस्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ये इसका सोल्यूशन करेंगे कैसे, हमने 13,000 kg गुड्स खरीदे, 13,000 kg गुड्स खरीदे और एक हमें पड़ा 90 रुपये का, लेकिन बाद में उसने हमें डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया 1 रुपये का, तो यानी कि 90 - 1 89 का पड़ा, तो 13,000 कितने के पड़े हमें 11,57,000 रुपये के। उसके बाद इसमें से सैंडविच क्रेडिट यानी एक्साइज ड्यूटी माइनस कर देंगे जिसके लिए हमें सैंडविच क्रेडिट अलाउड है, तो 13,000 kg पे उसने कहा था कि 5 रुपये का सैंडविच क्रेडिट अलाउड है, तो ये माइनस कर देंगे यानी 65,000, तो ये वैल्यू बची। अब फ्रेट जो थे 10,000, 30,000 के जो फ्रेट थे वो भी ऐड कर देंगे और एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी जो एडमिन का खर्चा हुआ इसको लाने का वो भी ऐड कर देंगे, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट की रॉ मटेरियल की वैल्यू आ गई। लेकिन अब नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी नॉर्मली रिसीव, वो कह रहे 4% लॉस हो जाता, 13,000 का 96% रिसीव होना चाहिए था, यानी कितना रिसीव होना चाहिए था 12,480, लेकिन एक्चुअल में मैं रिसीव हुआ था 12,400, एक्चुअल में रिसीव हुआ था 12,400, तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई, अगर 13,32,000 रुपये हमारे टोटल कॉस्ट है 12,480 यूनिट यानी नॉर्मल यूनिट्स की, तो 90 रुपये 705 70 पैसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे नॉर्मल कॉस्ट की प्राइस है। अब
मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है 10,000 रुपये, और कॉस्ट है 90 रुपये 75 पैसे 70 पैसे, तो यानी कि हो गया 9,07,050 रुपये। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यानी जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बची, एक्चुअल तो रिसीव हुआ 12,400, 10,000 यूज़ हो गया तो 2,400 बची, इतने प्राइस पे ही 217,692 रुपये। तो हमारा लॉस कितना हो गया, 80 रुपये का लॉस हो गया हमारा, सॉरी 80 यूनिट्स का, ठीक है। और 11,32,000 टोटल है, इतना हमारा यहाँ एलोकेट हो गया, तो बाकी जो बैलेंस बचा वो हमारा एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट एक्सपेंस। कंटेनर आर यूज फॉर डिलीवरी ऑफ द केमिकल आर नॉट रीयूजेबल। कॉस्ट ऑफ दीज कंटेनर इट ट्रीटेड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, हेंस द वैल्यू ऑफ दीज कंटेनर विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन हम ये भी कर सकते थे कि ये 500 जो है जो बिक जाएंगे मार्केट के अंदर वैल्यू ऑफ कंटेनर, अज्यूमिंग दैट द सेम इज एप्लीकेबल टू द परचेज मेड वाइल कंप्यूटिंग द मटेरियल कॉस्ट, तो उसको हम उसमें से माइनस कर सकते थे, ठीक है। और वैट तो हमारा कॉस्ट होता ही नहीं है, वैट तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो वैट को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा, फाइनेंशियल एंटरप्राइज अगर इंटरेस्ट पे करती है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पे करा है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी, टीडीएस काटा है सब्सिडियरी कंपनी ने तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिपॉजिट बैंक पे जमा करा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंश्योरेंस क्लेम मिला तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी। उसके बाद कह रहा है बिजनेस परचेज करा तो क्या होगा, सेक्शन पैरा 37 में लिखा हुआ AS 3 के अंदर, ठीक है। द एग्रीगेट कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम एक्विजिशन एंड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अदर बिजनेस यूनिट शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली एंड क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसको हम क्या कहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑल्सो एज पर पैरा 39 द सेपरेट प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो अफेक्ट ऑफ एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरीज एंड अदर बिजनेस यूनिट एज सिंगल लाइन आइटम हेल्प टू डिस्टिंग्विश दोस्ट कैश फ्लो फ्रॉम अदर कैश फ्लो। द कैश फ्लो अफेक्ट्स ऑफ डिस्पोजल आर नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दोज ऑफ एक्विजिशन, यानी जो आपने बेचे हैं अपने कोई भी सेगमेंट बेचा है, कोई भी बिजनेस लाइन बेची है और कोई दूसरी बिजनेस लाइन खरीदे तो उनको सेट ऑफ नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली नेटिंग ऑफ एग्रीगेट कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एंड एक्विजिशन ऑफ बिजनेस वुड नॉट बी अप्रोप्रिएटेड एज पर द स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद AS 4 का क्वेश्चन, ये है AS 4 का क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू AS 4 कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट स्टेट वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स विल बी ट्रीटेड एज कॉन्टिजेंसी एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट इन केस ऑफ कंपनी विच प्रिपेयर्स अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कह रहे एक मेजर फायर हो गई, आग लग गई, ठीक है, जिससे हमारे एसेट खराब हो गए 5 अप्रैल 2016 को, 5 दिन पहले 5 डेज आफ्टर द ईयर एंड, 5 दिन बाद ईयर एंड। हाउ एवर द एसेट आर फुल्ली इंश्योर्ड एंड बुक्स हैव नॉट बीन अप्रूव बाय द डायरेक्टर, लेकिन बुक्स अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। तो ये AS 4 के अंदर एडजस्टेबल इवेंट है या नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ये कि फायर हैज अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट एंड सिंस नो इन्फॉर्मेशन इन दिस रिकार्ड एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। अब जब आग लगी थी बैलेंस शीट डेट के बाद, उससे पहले कोई कंडीशन ऐसे नहीं थी कि जैसे आग लग जाएगी, तो उसको कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट, यानी दो इवेंट होते हैं एक एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट होती है टिल द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट तक, लेकिन जो हैपन होते हैं एक्चुअली के अंदर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वो एडजस्टिंग इवेंट होता है। एडजस्ट किस में होते हैं, एसेट एंड लायबिलिटीज में। ऑल्सो द लॉस इज टोटली इंश्योर्ड देयरफॉर द इवेंट बिकम्स इमटीरियल बट डिस्क्लोजर विद रिगार्ड माइट बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो डिस्क्लोजर को देना पड़ेगा। तो AS 4 में लिखा है कॉन्टीजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट एडजस्टमेंट टू एसेट एंड लायबिलिटी आर रिक्वायर्ड फॉर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट दैट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन मटेरियली अफेक्टिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट रिलेटिंग टू कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। हाउएवर एडजस्टमेंट टू एसेट एंड लायबिलिटी आर नॉट अप्रोप्रिएट, यानी उनको हम एडजस्ट नहीं करेंगे, नॉन एडजस्टेबल हमारे ट्रांजेक्शन इवेंट्स हो जाएंगे फॉर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद हुए हैं। इफ सच इवेंट्स डू नॉट रिलेट टू कंडीशन, ठीक है, जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं थी एट बैलेंस शीट डेट। उसके बाद अगला नेक्स्ट है कि एक सूट फाइल है, ठीक है, अगेंस्ट द कंपनी एडवर्टीजमेंट वॉज फाइल्ड बाय अ पार्टी ऑन 10 अप्रैल 2016 10 डेज आफ्टर द ईयर एंड क्लेमिंग डैमेजेस 20 लाख, यानी 10 दिन बाद उसने हम पे क्लेम करा, ठीक है। तो ये भी नॉन एडजस्टेबल इवेंट है क्योंकि इसकी भी कंडीशन नहीं थी एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद तीसरा, इट सेंड अ प्रपोजल
टू सेल एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 30 लाख, कह रहे कि प्रपोजल भेजा है कि अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे 30 लाख की ऑन 31 मार्च 2016। द बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 20 लाख एज ऑन ईयर एंड डेट। हाउएवर द डीड वर रजिस्टर्ड 15 अप्रैल, यानी कि 31 मार्च को बात हुई, ठीक है, और प्रपोजल भेजा और डीड कब पूरी हुई, 15 अप्रैल को। तो ये एडजस्टेबल इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एडजस्टेबल इवेंट कब हो सकता है? एडजस्टेबल इवेंट तब हो सकता है जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन तो यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, यानी सारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जब सारी बात हो चुकी है कि भाई इसको हम 15 तारीख को ड्यू हो जाएगा, 15 तारीख को हम इसके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि एडजस्टेबल इवेंट है, क्योंकि उसकी कंडीशंस थी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम कहें कि हमने सिर्फ प्रपोजल भेजा, यानी कि कोई फिक्स नहीं हुआ, सिर्फ प्रपोजल भेजा है, तो इसका मतलब इसकी कंडीशन नहीं थी, तो उसको हम नॉन एडजस्टिंग में ले आएंगे, ठीक है। द टर्म एंड कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी हैव बीन डिसाइडेड बाय मार्च, ठीक है, हमने टर्म्स कंडीशन, बट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर अरेंज इन अप्रैल 2016 एंड अमाउंट इन्वेस्टेड 40 लाख। तो ये तो हमारा एडजस्टेबल इवेंट है, क्योंकि कह रहा है कि टर्म्स और कंडीशन तो पहले ही फिक्स कर ली थी, लेकिन इवेंट कब हैपन हुआ है, अप्रैल के अंदर, ठीक है, तो उसकी कंडीशन तो पहले से ही थी, तो यानी कि ये जो है हमारा एडजस्टेबल इवेंट है, ठीक है। एज द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी हैड बीन डिसाइडेड बाय द एंड ऑफ मार्च 2016, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस शैल बी कंसीडर्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट सिंस अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स इज मेयरली फॉर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, हैंस एडजस्टमेंट टू एसेट एंड लाइबिलिटीज रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 सिंस द इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट दैट इज इन्वेस्टमेंट 40 लाख मेनली कन्फर्म द डील, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है इसमें, थेफ्ट चोरी होगी 2 लाख रुपए की कैशियर ने, ठीक है, और हमें पता चला नेक्स्ट डे आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैड बीन प्रिपेयर्ड। तो ये भी हमारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि हमें एट द टाइम ऑफ क्या कहते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे तब पता नहीं था कि चोरी हो जाएगी।